दरभंगा में मुहर्रम को लेकर जो उत्साह देखा जाता है वह कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार उत्साह 2 साल की पाबंदी के बाद दोगुना है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए जिला मुहर्रम कमेटी के साथ साथ शांति समिति और जिला प्रशासन लगातार बैठक पर बैठक कर जिले में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए हर बिंदु पर काम कर रही है। मंगलवार की शाम विश्वविद्यालय थाना पर भी इसी को लेकर बैठक की गई, जिसमें सभी ने अपने अपने हिसाब से सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए उपाय बताए। कम किस किस तारीख को और किस समय में किस रूट से होना है, इसमें अखाड़ा अपना जुलूस लेके आती है तो उसको नियंत्रित तरीके से कैसे हम लोग किला घाट मिलान चौक तक ले जाएं और वापस अपने घर पे सुरक्षित लोग पहुँचे, उसकी तैयारी की समीक्षा की गई। इसमें निर्देश दिया गया कि जो भी अखाड़ा अपना जुलूस लेके आएंगे वो शांति समिति ये जुलूस लाइसेंस के नियमों का पालन करते हुए अपनी टीम को साथ में लेके चलेंगे। पुलिस प्रशासन का भी जो हर चौक चौराहे पे और जहाँ जहाँ खड़ा है वहाँ पे डिप्रेशन किया जा रहा है, और खासकर 8 और 9 तारीख को जो मुख्य रूप से कार्यक्रम होगा उसे पूरी तैयारी जिला प्रशासन कर रही है। जो पहले से जो रोड मैप तय है जो अभी जो शांति समिति में जो लोग अखाड़ा वाले अपना अपना रूट बताए हैं, पुराना ही रूट है, उसी रूट से सभी लोग जाएंगे। कई प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं जैसे कि सावन मास चल रहा है और मुहर्रम भी है, उसके लिए 77 रखा गया है। सभी लोग भी अपना अपना जो अखाड़ा कमेटी बताए हैं कि हम लोग भी अपने जो टीम है उसको नियंत्रित तरीके से कार्यक्रम करेंगे और प्रशासन भी नजर में रखते हैं। ऐसा नहीं है उसमें उस जुलूस में जैसे बताएं कि हिंदू मुस्लिम दोनों लोग साथ में रहते हैं, फिर भी उनको मुहर्रम कमेटी के जो सचिव उनके माध्यम से निर्देश कर दिया गया है कि उसको ध्यान में रखेंगे। और इसमें कुछ असामाजिक तत्व लोग भी चाहते हैं सक्रिय होना, उस पर किस तरह निगरानी है? अखाड़ा कमेटी भी सतर्क रहेंगे, कोई सूचना है तो हम लोग को बताएंगे और पुलिस तो कार्रवाई करेगी। सादे लिबास में पुलिस का भी हर जगह डिप्रेशन रहेगा, हर जगह कैमरामैन दिया गया है टीम में, उसके हिसाब से जो भी आपद जो भी उपद्रवी तत्व हैं उनका कैमरा में फोटो आएगा और सीसीटीवी हर जगह लगाया जा रहा है, उसे निर्देशित की जाएगी। थाना पे क्षेत्रीय शांति समिति की बैठक है और चूंकि आज तीसरी मुहर्रम हो चुकी है, चौथी मुहर्रम से सारे शहर में प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, जगह जगह खेल होगा। उस सिलसिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारे बड़ा बाबू आज मीटिंग किए हैं, तो उसमें जो भी कमी है वो कमियां मैंने बताया इनको, और जहां जहां पुलिस डिप्टेशन की ज़रूरत है वो देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जो मुहर्रम हर साल की तरह, चूंकि 2 साल कोरोना के वजह से हम लोगों ने मुहर्रम को पूर्ण रूप से स्थगित करने का काम किया था, इस बार जोश खरोश के साथ खेलेंगे। और आपके माध्यम से फिर एक बार सारे शहरवासियों को मैं एक बात मैसेज दे देना चाह रहा हूँ कि जोश के साथ खेलना है, होश में रहकर खेलना है। जोश अच्छी बात है, होश खोना अच्छी बात नहीं है, तो होश में रहकर खेलें। और जितने अखरिया हैं वो अपने अपने इलाके में 5-10 रजाकार ऐसा बनाए जो मूवमेंट पे कोई दूसरा आदमी हमारे अखाड़ा में तो नहीं घुस रहा है, कोई बाहर का आदमी तो नहीं घुस रहा, उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। वैसे पुलिस तत्पर रहेगी, हमको भी तत्पर रहना है, जिला मुहर्रम कमेटी भी तत्पर रहेगी, और इस बार शांतिपूर्ण ढंग से भी हमेशा की तरह फिर इस बार शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम मनाएंगे इंशाल्लाह। असामाजिक तत्व नशा करके घुस जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, असामाजिक तत्व का न कोई धर्म है, न कोई ईमान है, न कोई मजहब है। वो अगर कुछ करना चाहे तो हम लोग तो हमेशा सतर्क रहते ही हैं। अगर पकड़ दे, एक कहावत है कि पकड़ा गया तो चोर है, बच गया तो सयाना है। अगर करके निकल गया तो वो सयाना होगा, पकड़ा गया तो सबको पता है कि क्या होगा। वैसे असामाजिक तत्व का चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। वो अभी के समय में नवयुवक टैबलेट का यूज करते हैं, उसमें पता भी नहीं चल पाता नशा क्या। देखिए, नशा पे हम लोग प्रशासन भी पूरी तरह से है, और स्पेशल तौर पर आप लोग देखे होंगे कि जिला मुहर्रम कमेटी जहाँ भी जाती है नशे पे ज़रूर बोलती है कि जो भी व्यक्ति नशा करते हुए पकड़ा जाए उसको छोड़ा नहीं जाता है। मैं खुद भी जिला मुहर्रम कमेटी के सेक्रेटरी होने के नाते मैं जहाँ भी देखता हूँ जिसको नशे में मुबतला उसको सजा देने का काम करता हूँ, अगर नहीं मानता तो उसको मैं पुलिस के हवाले करने का भी काम करता हूँ। और ये करना अच्छी बात नहीं है, सब लोगों से गुजारिश है कि नशा ना करें, जोश अच्छी बात है। नशा में जोश क्या होता है? नशा करके जोश में आना ये अच्छी बात नहीं है। बगैर नशा के जो जोश है उसमें ज़्यादा मजा है, जोश में रहे, होश में रह करके खेले और शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम को मनाए। शुक्रिया।